हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन यानी कि आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के तीन भेद हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन जिन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, सेकंड है काउंटेबल नाउन जिन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं, थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें ओगणनीय संख्या कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, और काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं वो संज्ञा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एंशियंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन पढ़ा था यानी कि प्राचीन व्याकरण के अनुसार नाउन के भेद, जो कि आप लोग जानते हैं फाइव भेद होते हैं, पांच प्रकार होते थे, ठीक है, फाइव टाइप्स होते थे, जो कि प्रॉपर नाउन जो कि आपको आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन में भी मिलेगा प्रॉपर नाउन। उसके बाद इन चारों को मिला करके इन्हें दो भागों में बांट दिया गया, जिन्हें काउंटेबल और जिन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चारों को जो है एक दो भागों में बांट दिया गया मिला करके, ठीक है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन तो आपको अच्छी तरह मालूम ही होगा, ठीक है, तो चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। तो यहाँ पे देखिए तीन टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन का अध्ययन आप कर चुके हैं यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन बट हम इसे हम आपको समझा देते हैं, ओके। तो प्रॉपर नाउन क्या है देखिए वो हम देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, गॉट इट। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना, यानी कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाए तो इसे इस प्रकार हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जैसे मैं एग्जाम्पल एज, मतलब एग्जाम्पल हो गया राम, सीता, पटना, टाउन, लकी, लकी जैसे नाम हो गया, लकी किसी का नाम, इंडिया, गंगा, मार्च, मई, संडे, इस प्रकार ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैं बॉय, बॉय से क्या पता चल रहा है आपको, एक जाति का पता चल रहा है, एक जाति का पता चल रहा है बॉय। उसी बॉय में अगर मैं बोलूँ कि ये श्याम है, तो श्याम क्या है, एक लड़का है, लेकिन उसे उस बॉय से क्या किए हम अलग कर लिए, उस लड़का से अलग करके एक खास नाम रख लिए श्याम। तो उस प्रकार श्याम जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, है तो लड़का है, क्या लड़का, बॉय क्या हो गया, बॉय कॉमन नाउन, उसी कॉमन नाउन से हम इसे अलग कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं डॉग, डॉग क्या है भाई, डॉग है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से अगर हम डॉग को नाम दे दिए टॉमी, टॉमी नाम दे दिए, तो वो डॉग वो अब टॉमी हो गया, तो टॉमी हो गया तो ये प्रॉपर, ये खास हो गया, ये डॉग क्या हो गया, ये खास हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका टॉमी नाम का जो डॉग है ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोगों ने आपको इसका हमने डिफिनेशन भी देख लिया है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम यानी कि जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन एज, मतलब एग्जाम्पल cow, dog, man, boy, girl, apple, pen, table, box, tree, room, village, road, class, etc. etc. ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते यानी कि नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो होगा द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन एज, मीन्स एग्जाम्पल वाटर जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ऑयल, मिल्क, ऑयल मतलब हो गया तेल, मिल्क, हनी मीन शहद, गोल्ड, सोना, सोना को आपको लगता होगा कि हम सोना को गिन सकते हैं, बट सोना को हम अगर जो पिघला दिया जाए तो क्या वो एक तरल पदार्थ बन जाएगा ना, तो आप गिन नहीं सकते। उसी प्रकार सिल्वर को क्या है, अगर जो हम इसे पिघला दिया जाए, अगर हम इसे तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप उसे नहीं गिन पाओगे, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। उसी प्रकार राइस क्या है, चावल, अच्छा चावल को आप बोलोगे हम गिन सकते हैं, ठीक है, चावल को अगर एक मुट्ठी चावल आपको हम दे दें राइस, तो आप उसे गिन लोगे, लेकिन क्या आप दुकानदार के पास जाते हो तो क्या आप गिन के चावल लेते हो, नहीं ना, यानी कि उसे हम अनकाउंटेबल भी तो नहीं कहेंगे लेकिन उसे हम काउंटलेस कहेंगे, काउंटलेस नाउन, जिन्हें गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है, गिन तो सकते हैं लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे लव मतलब प्यार, प्यार को आप गिन सकते हैं, जैसे आपका एक गर्लफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड है, तो आप गिन सकते हो मेरा एक प्यार है, दो प्यार है, प्यार को आप गिन नहीं सकते, आप उसके अंदर कितना प्यार है आपके लिए क्या वो आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं ना, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसी प्रकार म्यूजिक को आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप नहीं गिन सकते हैं, किसी व्यक्ति में कितना ईमानदारी है आप बता सकते हो, एक किलो है,
एक ग्राम है, दो ग्राम है, नहीं बता सकते ना। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को भी ये नहीं बता सकते। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जो मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। ओनेस्टी, चाइल्डहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ये राइस जो है ये मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है, मटेरियल नाउन में। उसी सब को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बन गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अनकाउंटेबल नाउन कौन मिल करके यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिल करके काउंटेबल नाउन बना है, ठीक। एंड मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल करके अनकाउंटेबल नाउन बना है, और प्रॉपर नाउन तो अलग ही है, प्रॉपर नाउन तो अलग ही है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा नाउन मिल करके बना है वो आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।